नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा जो एंजियोप्लास्टी है, जिसको आजकल स्टेंट भी बोला जा सकता है, वो क्यों फेल होती है। देखिए, पहले तो आपको ये समझाऊं ये स्टेंट में क्या किया जाता है। देखिए, ब्लॉकेज है, एक ट्यूब है हार्ट की, जो डायमीटर इतना होता है, समझ लीजिए पेंसिल के जितना डायमीटर होता है, और इसके अंदर चर्बी जम गई है। धीरे धीरे वो चर्बी ब्लॉक हो जा रही है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक पैर से या हाथ से तार घुसाई जाती है, इसको बोलते हैं कैथेटर। वो कैथेटर को लेके जाके पूरे बॉडी को स्क्रैच करते हुए हार्ट तक लेके जाते हैं, और उस वक्त कंटिन्यूअस एक्सरे करते रहना होता है देखने के लिए, तो बहुत सारे एक्सरे एक्सपोजर भी होती है। जब वो तार वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ पे ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज को क्रॉस करवा देते हैं, और उस तार के ऊपर एक बैलून रखा होता है, बैलून को उस ब्लॉकेज के नीचे ले जाके फुला दिया जाता है। तो क्या होता है, वो ब्लॉकेज दब जाती है साइड में। अब जब बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आती है, तो उसमें एक स्प्रिंग लगाया जाता है, और वो स्प्रिंग देखिए इस तरह का होता है। मैंने एक डॉट पेन के अंदर से निकाला है, बॉल पेन के अंदर से, इस तरह की स्प्रिंग होती है, और ये स्प्रिंग को वहां पे डाल के स्प्रिंग को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाता है, वो दीवार को रोक के रखता है, फिर वापस आने नहीं देता है। ये जो स्टेंट है, ये बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी कराया गया है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा, पर ये स्टेंट बहुत दिन चलती नहीं है। यही इसकी सबसे आयरनी है, इसकी रीब्लॉकेज रेट बहुत हाई होता है, और इसको छिपाने के लिए हर बार नया कुछ किया जाता है। पहले आया था बेलूनिंग, इसको बोलते हैं बेलून एंजियोप्लास्टी। जब बेलूनिंग फेल हुई तो इन्होंने, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला नहीं, बेलूनिंग तो अच्छी नहीं है, उसके जगह स्टेंट लगाना पड़ेगा। जब ये स्टेंट फॉरेन बॉडी है और इसी के अंदर ब्लॉकेज वापस आने लगी, हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, और उसी पे ब्लॉकेज जल्दी आने लग गई। जो ओरिजिनल ब्लॉकेज है 30-40 साल में आती है, स्टेंट देखा गया 6 महीना 1 साल 2 साल में आने लग गई। तब इन्होंने बोला नहीं नहीं, वो स्टेंट बेलूनिंग ठीक नहीं है, स्टेंट लगा दो। स्टेंट जब लगी उसके बाद पता चला स्टेंट ब्लॉक हो रहा, तो बोला नहीं ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें गोल्ड स्टेंट लगेगी। गोल्ड स्टेंट आया, वो फेल हुआ। थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला रेडियो एक्टिव स्टेंट होगा, वहाँ पे वो कुछ सामान रुकेगा नहीं। जब रेडियो एक्टिव स्टेंट फेल हुआ तो उन्होंने बोला एक काम करेंगे, इस स्प्रिंग को एक दवाई में डाल के निकाल लेंगे, ये हो गया ड्रग कोटेड स्टेंट। तो अब ये फॉरेन बॉडी रही कि नहीं रही, आप सोचिए, ये फॉरेन बॉडी रही, फिर से ब्लॉक आने लगा। तब इन्होंने बहुत दिन तक इसको चलाते रहे, जब सारे फेलियर केसेस एक्यूमुलेट होते रहे, तब बोला नहीं इसमें ना बायोडिग्रेडेबल स्टेंट दे देंगे, वो स्टेंट अंदर जाएगी और धीरे धीरे गल जाएगी। पता चला वो बहुत जल्दी गल जा रही है और बहुत जल्दी उसकी आ जाते, तो फिर उसकी जनरेशन चेंज हुई, जनरेशन 1 स्टेंट, फिर वो फेल हुआ 2 स्टेंट, फिर 3 स्टेंट। अब तो बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं यार वो ऑर्डिनरी स्टेंट ही ठीक था। तो याद रखिए, ये जो स्टेंट वाली चीज़ है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये मेरे हिसाब से वो स्टेंट काम नहीं करता है प्रॉपरली, और वो फॉरेन बॉडी होने की वजह से। देखिए, नेचर और फॉरेन दोनों में फ़र्क है। नेचर के संग आप जब भी फॉरेन बॉडी डालेंगे तो नेचर उसको रिजेक्ट करता है, और यही कारण है स्टेंट बार बार फेल होता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो 8 स्टेंट लगा लिए हैं, अभी ऐसे पेशेंट एक आए 15 स्टेंट लग चुका है। मैं बोला 15 क्यों लगा लिया, बोला सर हमको ये मालूम नहीं है, फाइल लीजिए, इतनी मोटी फाइल दिया उन्होंने, 15 बार स्टेंट लग गई है। तो ये कोई एंड नहीं है, स्टेंट लगाते रहो, वापस आते जाएगी। तो ये, और स्टेंट लगाने के बाद भी तो आपको खाना पीना पूरा फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम कैसे होगा। तो मैं बोलता हूँ स्टेंट लगाने से पहले ही कर लो। और आपको एक और ट्रायल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है करेज ट्रायल। 2007 में ये ट्रायल आई थी, उन्होंने दिखा के दिया अगर दवाइयाँ दे दो और स्टेबल पेशेंट में एंजियोप्लास्टी कर दो, स्टेंट लगा लो, दोनों के रिजल्ट एक हैं, तो आप दवाइयाँ और लाइफस्टाइल फॉलो कर लीजिए, क्यों बेकार का स्टेंट लगाएंगे। तो ये बात आपको मैं बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ, स्टेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है, और चाहे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट लोग बोले। और स्टेंट का एक बात और आपको बता दूँ, ये इम्पोर्ट होती है 10,000 में, उसको बेचा जाता था 2-2 लाख में। ये तो सरकार की बहुत बढ़िया इंटरवेंशन रहा कि अब स्टेंट इंडिया में 30,000 से ज़्यादा का बिकता नहीं है, जबकि अभी भी अमेरिका में या बाहर के कंट्री में स्टेंट के दाम बहुत है। बांग्लादेश में 2 लाख में बिकती है स्टेंट, हमारे यहाँ पे 30,000 में बिकती है। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा उनको, हॉस्पिटल को और डॉक्टर्स को इसके वजह से पैसा मिलता है, और यही कारण है स्टेंट को ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। तो मैं इसके फॉर में नहीं हूँ, आप अपना ओपिनियन अपने आप क्रिएट कीजिए, मैंने आपको लॉजिक बताया है, और ये लॉजिक अगर ठीक लगे तो आप स्टेंट के जगह आप लाइफस्टाइल और ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए जो हम सावल में देते हैं। आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाके कंसल्ट करिए, और हमारे हार्ट की वीडियोज़ ज़रूर देखिए। चलिए आज विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है।